एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक लर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y56 मॉडल के बारे में, जो कि एक 5G फोन है। वीवो ने ये फोन को लॉन्च कर दिया है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से और देखेंगे क्या फीचर के साथ में ये मोबाइल आ रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे हाथ में वीवो का Y56 5G न्यू ब्रांड फोन 8GB 128GB वेरियंट के साथ। इसमें 4GB 128GB का भी वेरियंट आता है। ये देखिए बॉक्स पे लिखा हुआ है 8GB 128GB। तो बॉक्स पे देख लेते हैं हाईलाइट फीचर वीवो ने क्या दिया है। जैसे कि इसमें एक्सटेंडेड रैम है 3.0, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5000mAh बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, वीवो मेड इन इंडिया। तो ये है बॉक्स पे हाईलाइट फीचर। वीवो Y56 दो कलर वेरियंट में आता है, ऑरेंज शिमर एंड ब्लैक इंजन। ये दो कलर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। अभी देख लेते हैं इसकी बॉडी को। प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है और यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग है, हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। यहाँ ऊपर साइड में सिम ट्रे है। डुअल कैमरा सेटअप के साथ में ये आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में और इसके थोड़े से लुक के बारे में। लुक तो ओके है, सिमिलर लुक वीवो लॉन्च कर रहा है। तो कैमरा ऑन करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से इसका कैमरा वर्क कर रहा है और क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि किस तरह से इसकी फ़ोटो आ रही है और किस तरह से कैमरा क्लैरिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपके सामने मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो मेन कैमरा इसका है। ठीक है, ओके है। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है लाइटिंग की वजह से प्रॉपर फ़ोटो नहीं आई है। तो दोबारा मैं फ़ोटो निकाल के इसकी देखूँगा, जूम करके भी देखूँगा कि किस तरह से ये फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा है। ये देखिए मैं अगेन ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट कम है इसलिए ऐसा फ़ोटो आ रहा है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल में नो डाउट वीवो को अच्छा कैमरा तो देना ही चाहिए, क्लैरिटी अच्छी आनी ही चाहिए क्योंकि 50 मेगापिक्सल कैमरा है। इस वजह से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैमरा क्लियर दिखेगा बट बहुत ज़्यादा लाइट और शाइन आ चुका है इसमें। तो ठीक है, ओके। और यहाँ पर वीलॉगर मोड भी वीवो ने दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप कुछ। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है IPS LCD स्क्रीन, फुल HD+ डिस्प्ले दिया हुआ है वीवो ने। इसमें 6.58 इंच का डिस्प्ले आ जाता है इसका। मेन कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, प्लस साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें MediaTek Dimensity 700 का, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो ओके है इस प्राइस रेंज में, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है पर ओके बोल सकते हैं। कैमरा क्लैरिटी से इतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कैमरा क्लैरिटी भी ओके है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी ओके दी हुई है। सुपर एमुलेट दे सकते हैं, एमुलेट तो वीवो को देना चाहिए था, बट ठीक है 5G की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखने में मिल रहा है। तो अभी जो मेन इसका है बैटरी देख लेते हैं। 5000mAh की इसमें बैटरी है जो कि 18W फास्ट चार्जर के साथ में आता है, जो कि वीवो ने बॉक्स पर ही हाईलाइट क्या हुआ है। तो ओवरऑल मेन जो है फ़ोन में यही है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन फ़ोन में नहीं है। बस एक 5G फ़ोन है जो कि 20,000 के रेंज में आ रहा है, 19999 का इसका प्राइस है। तो इस वजह से वीवो ने इसको लॉन्च किया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिव्यू आपको इसके देखने नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल ये था फ़ोन। तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।